इंदौर नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड आरक्षण की कार्यवाही देवी अहिल्या विद्यालय स्थित की गई। इसी को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 2011 के जनगणना के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के तहत इंदौर नगर निगम के 85 वार्डों में चुनाव होने हैं। इसी में महिला सीट 50% तक कर दी गई है, जिसमें वर्गों में अलग अलग बटा गया है। इंदौर ब्यूरो के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। के हिसाब से वार्ड का अनुपात निकालते हैं तो शेड्यूल कास्ट के लिए ये आंकड़ा आता है 13.38। 13.38 का आशय ये हुआ कि अगर हम पूर्णांश में लें तो 13 वार्ड आरक्षित होंगे अनुसूचित जाति के लिए। इसी तरीके से शेड्यूल राइट के लिए अगर हम लेते हैं तो ये जो फ्रैक्शन आता है वो 2.84 आता है, 2.84। इसके हिसाब से अगर इसका हम पूर्णांश लें तो 3 वार्ड आरक्षित होंगे शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो इस तरीके से शेड्यूल कास्ट के लिए 13 वार्ड और शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 वार्ड आरक्षित होंगे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो वार्ड आरक्षित होंगे इनका टोटल अगर कुल वार्ड के 50% से कम है तो शुरू के 13 वार्ड हैं वो 13 वार्ड आरक्षित होंगे अनुसूचित जाति के लिए। तो अब हम ये देखते हैं इसमें जो डिसेंडिंग ऑर्डर के 13 वार्ड हैं वो वार्ड कौन कौन से हैं। वार्ड क्रमांक 46, 61, 24, 45, 30, 54, 26, 35, 59, 18, 36, 76 और 47। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 46, 61, 24, 45, 30, 54, 26, 35, 59, 18, 36, 76, 47। ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। मध्य प्रदेश नगर पालिका नगर निगम वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया अधिनियम जो है उसके अंतर्गत ये कार्रवाई की जाती है, और जब भी कोई इलेक्शन आसन्न इलेक्शन होता है उस समय नगर निगमों में नगर पालिकाओं में वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया को संपन्न करती है। वार्डों के आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो 2011 की जो जनसंख्या जनगणना भारत सरकार ने कराई थी उसमें जो जनगणना की स्थिति है एससी एसटी और ओबीसी के लिए उस जनगणना के आधार पर ये आरक्षण किया जाता है वार्डों में। नगर निगम इंदौर की जो स्थिति है 2011 की जनगणना के आधार पर 85 वार्डों में उसमें जितनी अनुसूचित जाति की जनसंख्या है उसके परसेंटेज के रूप में वार्डों को आरक्षित किया जाता है, जितनी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है उसके प्रतिशत के अनुरूप में वार्डों को आरक्षित किया जाता है, और फिर बाद में यदि ये दोनों की जो हम आरक्षण करते हैं वो 50% से ज़्यादा नहीं होता है तो टोटल सीटों का 25% हम ओबीसी के लिए। इस कारण 13 सीटें जो हैं वो एससी के लिए आरक्षित हुई हैं इंदौर में, 3 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित हुई हैं और 20 सीटें टोटल ओबीसी के लिए आरक्षित हुई हैं। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का जो मॉडल है उसके हिसाब से जो 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई हैं उसमें से 7 सीटें महिलाओं के लिए, जो 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए उसमें से 2 सीटें महिलाओं के लिए, और जो 21 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित हुई हैं उसमें से 11 सीटें महिलाओं के लिए हुई हैं। इस प्रकार ये होती हैं टोटल 20, 7 और 2 9 और 11 20। अब हमें टोटल आरक्षण महिलाओं को 50% करना है तो बाकी जो सीटें बची हैं उसमें से हमें 22 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी होंगी। तो हमने 42 सीटों का टोटल महिलाओं के लिए आरक्षण किया है, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 21 और शेष जो हैं वो अनारक्षित वर्ग के लिए हैं, अनारक्षित मुक्त। अनारक्षित मुक्त में कोई भी लड़ सकता है, 42-40 होंगी अनारक्षित मुक्त, तो इस नहीं 43 85 सीटें हैं टोटल। तो ये सूची आप लोग को प्राप्त हो जाएगी, उसमें वार्डवार उसमें दिया हुआ है कि कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।